हेलो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप सीगडी का, बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम आता है। जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो कॉइल होता है, वो सही से बिठाने की वजह से ये बार बार टूट जाता है। तो मैं आपको नया ट्रिक्स बताने वाला हूँ। इस ट्रिक्स से आप लगाएंगे इस तरह से, तो जो हीटिंग एलिमेंट बिठाने की जो जगह होती है, उससे थोड़े पीछे जो होल्स होते हैं, उसी से आपको जो हीटिंग एलिमेंट है वो उससे तार निकाल के और बैक साइड से कैसा फिट करना है वो मैं बताऊंगा। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे, तो हीटिंग एलिमेंट में जो स्क्रू आते हैं, तो उसी जगह लूज कांटेक्ट हो के बहुत से बार हमारा कॉइल कट हो जाता है। तो आप कीर्ति कंपनी का हीटिंग एलिमेंट वो आपने यूज करेंगे 1500 वाट में, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका और बेटर क्वालिटी है। तो इस तरह से आप पीछे की साइड से जो होल दिख रहे हैं वो स्क्रू में वो बिठा देना है, मगर उसके पिछले साइड में जो होल है तो उसी से आपको हीटिंग एलिमेंट निकालना है। और बैक साइड से बताऊंगा आपको, जो आपके जो उससे वायर निकलेंगे एक्स्ट्रा, तो उसे इसमें जॉइंट में जो कपलर होता है उसमें न जोड़ते हुए उसे लपेट देंगे वो वायर को। तो उससे क्या होगा कि जो आपका ऐसा इस तरह से लपेट देना है, तो उससे क्या होगा, जो आप जब चालू बंद करते हैं हीटिंग एलिमेंट को, शेकड़ी को, तो स्पार्क नहीं हो पाता है। तो उसे फुल तरीके से करंट मिलने की वजह से काफ़ी अच्छा शेकड़ी हमारा चलता है, और बार बार जो कॉइल कट हो जाता है वो भी दिक्कत आपके साथ में नहीं आएगा। तो इसी तरह आपको दोस्तों फिटिंग करना है, तो इससे क्या होता है, जो लूज कॉन्टेक्ट का जो प्रॉब्लम है, बहुत से एलिमेंट जो ख़राब होते हैं, कॉइल जो ख़राब होते हैं, वो लूज कांटेक्ट की वजह से होते हैं। तो इसमें लूज कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो आपका हीट शेगड़ी भी काफ़ी हीटिंग करेगा, और हीट भी होगा और कॉइल भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो हमने इसमें 1500 वैट का कॉइल यूज किया है कीर्ति कंपनी का। तो ये निक्रोम वायर होता है, तो इसका हीटिंग काफ़ी अच्छा है, और ये स्पेशली एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट के लिए ही बनाया क्वालिटी का इसमें कॉइल है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये हमने खुद यूज किया है इस कॉइल को, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो अभी इसमें इस तरह से फिट करेंगे, जैसे उसे पूरा वायर जो होता है हमारा, उसे उसको लपेट देंगे, वो जो उसके साथ में हीटिंग एलिमेंट के साथ में जो वायर आता है, उसे अच्छी तरीके से, जो हमारे ऊपर से लाइन के वायर आ रहे हैं माइनस प्लस, उसी में काफ़ी अच्छी तरीके से इस तरह से लपेट लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका स्पार्किंग नहीं हो पाएगा, तो इससे अच्छी तरह से आपका सेगड़ी चलता है। तो इसी तरह आपको पूरा वायर लपेट लेना है, और इसी तरह आप यूज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।